नमस्कार 3030 STEM में आपका स्वागत है। 2 हफ्ते के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। सो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमारे साथी गौरव ने आपको ताश का जादू दिखाया। इस हफ्ते हमने सोचा थोड़ा सा साइकिल पर चर्चा करेंगे और आपने शायद देखी हो ये जो 2 साइकिलें हमने आपको दिखाई अभी, और ये नायाब साइकिलें हमने अपनी लैब में बनाई। 3 साल पहले इनफैक्ट वो बनाई थी। वो साइकिल ऐसी है कि सीधा पेडल चलाएं तो आगे चलती ही है, पावर मिलती है, और उल्टा चलाएं तो भी मिलती है। और फिर दूसरी साइकिल बनाई जिसमें हैंडल लेफ्ट मोड़े तो राइट जाता है और राइट मोड़े तो लेफ्ट जाता है। आशा है इस एपिसोड को देखने के बाद आप सबके अंदर भी यही लगन उत्पन्न हो जाए कि अपनी नई नई तरीके की नई नई पहियों वाली साइकिलें बनाएंगे। इसके पूरा एपिसोड आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। माय नेम इज़ मनीष जैन और मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ये आईआईटी गांधीनगर की तस्वीर है, ये हमारी लैब है। कुछ काम ये हुआ था एंड फॉर सम रीज़न इट इज़ नॉट शोइंग, माई स्लाइड्स आर नॉट शोइंग। There you go, it should be better. नमस्कार, मेरा नाम मनीष जैन, मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। ये हमारी लैब है, जियोडेसिक बॉल जो हमने बनाई। और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा करी थी कि लेट्स ट्राई टू सी इफ़ वी कैन हैव सम पीपल हेल्प अस विद इमेजेस एंड मेक दिस बुक ऑन 3030 STEM। सो दिस इज़ द इमेज दैट वाज सेंड बाय अ क्लास 12th और क्लास 11 में, उनका नाम भूल गया। उन्होंने हमें ये चित्र भेजा किस तरह से हम जो 3030 में एक्टिविटीज़ करते हैं उसको आप अगर बढ़िया ड्राइंग बनाकर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। शिवांगी ने भेजी थी, 11वीं की स्टूडेंट हैं। सो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, एब्सोल्युटली वंडरफुल। टीचर शायद सभी बच्चों को मैसेजेस भेज रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो जुड़ रहे हैं, जो मैसेजेस भेज रहे हैं। इतनी सारी ईमेल्स आती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट कि टीचर्स अपना जो है दारो मदार बच्चों पर रिलिंक्विश कर लें और खुद नदारद हो जाए, ऐसा नहीं हो। आप भी जुड़िए, अपने सभी साथियों को जोड़िए। अमूल्य चीज़ है जो हम आपके सामने हर हफ्ते बहुत मेहनत के साथ लाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते से हमने एक बहुत ही, पिछले हफ्ते से अचानक सुबह मेरे दिमाग में आइडिया आया। क्योंकि हमने जर्मनी में एक बार, यूरोप में ये कला होती है। मैं उसके लिए एक चित्र दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर ये जो आपको अभी दिख रहा होगा, आज देर लग रही है आने में, कनेक्शन लैग है या जो भी। तो जर्मनी में ये प्रथा चलती है कि जब दशहरे से उनके यहाँ जो थैंक्सगिविंग से क्रिसमस तक के जो 20-25 दिन होते हैं, वहाँ पर ऐसे वो लोग खेल बनाते हैं। हर हफ्ते हर दिन एक नई चीज़, एक पूरी किट में एक चीज़ डालेंगे, फिर अगले दिन कोई और चीज़ डालेंगे, ऐसे कोई और चीज़ डालेंगे, ऐसे 30 दिन में पूरे महीने भर हर रोज़ एक प्रयोग चलता रहता है। और क्रिसमस के दिन एक बहुत नायाब खिलौना नमूना तैयार हो जाता है। तो हमने सोचा उसी तरह से हम भी आपके सामने एक, और हमारी ये जो CCL की लैंप वाली टीम है, उन्होंने मिलकर, सरिता, नीरज, पंकज, जेडी, सतीश, सभी ने मिलकर ये बहुत ही सुंदर एक प्रयोग चालू करा। हर दिन आपके सामने एक नया लैंप बनाएंगे, कागज का, और कुछ नहीं चाहिए, कागज का लैंप। 2020 लैंप। सो 3030 हैज स्टार्टेड अनदर प्रोग्राम, 2020 लैंप। दशहरे से दिवाली तक हर दिन सुबह लग जाइए और कागज से, और उसके पीछे परिवार साथ मिलकर वो लैंप बनाएं। और उसके पीछे की गणित तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि दिस हाफ एन आवर और 1 आवर और 2 आवर्स दैट यू विल स्पेंड विद योर फैमिली मेकिंग दीज लैम्प्स, एब्सोल्युटली मेक इन इंडिया। आपके घर के बने हुए हैं, कोई चाइना से माल नहीं आएगा, नो इम्पोर्ट्स, ऑल वोकल लोकल, सब कुछ ऐसा ही होगा वहाँ पर। तो बहुत बढ़िया, इस तरह के कुछ लैम्प्स हैं। ये पिछले अभी तक हम लोगों ने 6 लैम्प बना दिए हैं और बहुत सारे फीडबैक लोगों के आ रहे हैं। इस तरह के जो फीडबैक आ रहे हैं, लोग जो दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लैम्प्स जो हमारे पार्टिसिपेंट्स अलग अलग बनाकर भेज रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लैंप, बहुत ही सुंदर लैंप। और फेविकॉल से इसको स्टेपलर का भी इस्तेमाल करके आप लोग लैंप्स बना सकते हैं। और एक और बात मेरे दिमाग में आई, मैं ये भी कहना चाह रहा था, 2-3 अनाउंसमेंट हैं वो भी करना चाहेंगे कि आप अगर सभी सर्टिफिकेट की काफ़ी सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, प्लीज़ डू सेंड अस योर होमवर्क्स। हमारी तरफ से ये गलती हो रही है कि हम उत्तर नहीं दे पा रहे। आज ही आज शाम तक हम आपको होमवर्क 3 और 4 के उत्तर भेज देंगे, बाकी सारे भी आगे वीक्स में भेज देंगे। बट हम चाह रहे हैं कि सभी लोग सारे होमवर्क्स भेजें, और 10 होमवर्क्स अगर आप भेजेंगे सो वी विल प्रोवाइड यू द फर्स्ट 1/3 ऑफ द फर्स्ट सर्टिफिकेट। तो आप 10 homework अपने भेजिए कि ccl.com/itgn.ac.in ccl.itgn.ac.in/3030 STEM, और उसके बाद होमवर्क लिखेंगे homework.html, तो सारे होमवर्क आ जाएंगे। अन्यथा YouTube के सभी लिंक में सबसे पहला लिंक होमवर्क होता है, होमवर्क पे जाइए, सारे होमवर्क सबमिट करिए। homeworks.html 3030 STEM होमवर्क सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। होमवर्क्स पर क्लिक करें, सारे भेजिए। वी विल ऑफकोर्स बी वेरी 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 हैप्पी टू सेंड यू द सर्टिफिकेट फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरीबडी, एब्सोल्युटली। सो प्लीज़ डू सेंड अस योर होमवर्क्स, हम लोग जवाब भेजेंगे। और अगर आप लैम्प्स भी बनाएंगे तो एक लैम्प का भी, अगर 20 के 20 लैम्प अगर आपने बनाए और अपना घर सजा लिया, तो उसके लिए भी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रशस्ति पत्र, अगर उसको कह सकते हैं, तो वो हम लोग भेजेंगे कि आपने एक बहुत ही सुंदर गणित करी और उसके पीछे वो सारे लैम्प्स अपने दशहरे से दिवाली तक बनाकर अपना घर जगमगा दिया, रोशन कर दिया। सो विद दैट लेट अस स्टार्ट, एंड आई एम सो हैप्पी टू कम बैक अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एंड टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो कितना हमारे पास समय होगा, हम आपके साथ कितनी चीज़ें कर पाएंगे। बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं, वो है साइकिल का। साइकिल के ऊपर चर्चा करेंगे, और साइकिल के ऊपर क्यों, इसलिए नहीं कि इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल आम चीज है, साधारण चीज़ है, बिल्कुल सबके सामने रहती है। मैं इसका छोटा सा मॉडल भी लेकर आया था। ये इसको मैं ये आईपैड वाली चीज़ हटा देता हूँ। छोटा सा मॉडल लेकर आया था, ये बिल्कुल बढ़िया एक साइकिल का मॉडल है, बिल्कुल बढ़िया चलती है। अगर इस पर एक चीज़ हमें दिखानी है, हमने सोचा बड़ी साइकिल तो यहाँ पर आपके सामने रखने में दिक्कत होगी, इसलिए छोटी साइकिल का मॉडल लिया। बहुत ही सुंदर वस्तु है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्वेंशन। लेट मी लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैड आस्ड यू। लेट्स गो बैक टू आइटम पूल एंड चेक द आंसर। हमने पूछा था कि कौन सा इन्वेंशन है जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मैनकाइंड को जिसने अफेक्ट करा। लेट्स लुक एट द आंसर। आंसर दिखा देते हैं अभी। लेट्स लुक एट द आंसर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, और इसमें कोई भी सही सवाल नहीं, कोई भी सही जवाब नहीं है। ऑफ कोर्स व्हील्स, एंटीबायोटिक्स। लेट्स सी कितने लोगों ने सी नंबर पे दिया। हाँ, 13 लोगों ने बोला कि शादी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, सो विच इज़ ग्रेट। व्हील्स, एंटीबायोटिक, शादी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज आर गुड आंसर्स एंड राइट आंसर्स, बट हमारा इस सवाल के पूछने का यही उद्देश्य था कि इंसान कभी से हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री, वॉन्टेड टू मूव फास्टर। हम अपनी गति को बढ़ाना चाहते थे, और उसके लिए सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ वो व्हील का हुआ और चक्के का हुआ। And I think that has brought a revolution in the history of mankind, just like many other things have. But in some people say wheel was one of the biggest invention that led to technology in इंसानों के लिए जो तकनीक जो सबसे पहले निकल के आई, उसके कारण होने क्या लगा कि जो चीज़ चलने में फ्रिक्शन हमारा 10x लगता 100x लगता था, वो 1x हो गया। मतलब 100 times फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। जब पत्थर हम लोग खींचते थे, मैं उसको अगर आपकी उसकी तस्वीर दिखाऊं अगर आपको। let me take you to iPad. This is the picture that when people in the Egypt, they were trying to build these pyramids, तब इस तरह से सामान खींचते थे। और अगर इसकी जगह अगर यह पहिया ना हो और उसकी जगह लोग पहिए की जगह उसको ड्रैग करें, तो 100 गुना ज़्यादा वजन दम लगेगा, 100 times more. So wheel made it so easier, and it is just basically a circle. एक डंडी के ऊपर, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, एक साधारण से लॉग्स पेंसिलों के ऊपर रखा और इसके ऊपर खींचते हैं, तो बहुत सरल हो जाता है। इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल है। बट उसके पहले मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि हमने साइकिलों के ऊपर आखिर करी ही क्यों। वाई साइकिल्स, राइट? बिकॉज दे आर एवरी डे एंड देर इज डीप साइंस इन्वॉल्व। बहुत ही रोचक गणित और विज्ञान है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इस साइकिल के बारे में आज तक भी लोग ये नहीं पता कर पाए हैं कि साइकिल चलती क्यों है। मतलब साइकिल जब चलती है तो लुढ़कती क्यों नहीं है। It is so interesting, it is so amazing. I just found out while researching about this topic 2 महीने पहले. इनफैक्ट मेरी कल टॉक थी वो अंग्रेजी में थी, तो काफ़ी सारी अंग्रेजी मेरे मुंह से निकल रही है मुझे ऐसा लग रहा है. कल 2 महीने पहले जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब ये पढ़ा और अचंभित रह गए कि आज तक भी लोग, वैज्ञानिक लोग ये नहीं पता कर पाए हैं कि साइकिल ये जो हमारी है ये खड़ी रहती है, गिरती क्यों नहीं है. चलते हुए ऑफकोर्स नहीं चलेगी तो गिर जाएगी, चलते हुए क्यों नहीं, रुकी हुई क्यों नहीं गिरती, उसका एक प्रयोग भी दिखाएंगे अभी. बट द मोस्ट इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई आई थॉट वी शुड टॉक अबाउट साइकिल बिकॉज सो मेनी इंटरेस्टिंग इससे बहुत सारे जुड़े हुए टेंजेंट्स निकल कर आते हैं और उन्हीं के ऊपर आज हम खूब लंबे से चर्चा करेंगे. उससे जुड़ी हुई ज्ञान, उससे जुड़ा गणित, उससे जुड़ी हुई हिस्ट्री और परिपेक्ष, इसलिए आज की तारीख में साइकिल बहुत जरूरी भी है. 3 करोड़ साइकिलें हैं भारत में, दुनिया में आज तक 100 करोड़ साइकिलें बन चुकी हैं. जितनी 3 से 4 करोड़ भारत में साइकिलें, उतनी ही लगभग मोटरसाइकिल भी हैं. तो आजकल हो क्या रहा है, साइकिलों से लोग बढ़कर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं. उससे 2-3 ऑफकोर्स फायदे हैं कि आप जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, लेकिन साथ में नुकसान है, शरीर की वर्जिश नहीं होती है और जो जाते हुए जो समा, रास्ते में जाते हुए जो समा दिखता है वो नहीं दिखाई देता. साइकिल की अपनी खूबियाँ, ऑफकोर्स इट हेल्प्स इन ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन नहीं होता है. कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि अगर 4-5 किलोमीटर तक जाना हो शहरों में तो सबसे ज़्यादा अच्छा साधन साइकिल ही है, क्योंकि ना पार्किंग का झंझट, ना कहीं अपने ऑफिस तक उठा कर ले जाइए या जहाँ पर भी, और घर के अंदर उठा कर ले आइए. बिल्कुल पार्किंग का झंझट नहीं है, कोई झमेला नहीं है, आराम से जाइए. ऑफकोर्स वील हैव टू मेक आवर सिटीज सेफर फॉर बाइकिंग, बट द होल पॉइंट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल इन्वेंशन. Scientists have not been able to figure out, and that is where it becomes very interesting for 3030 STEM because हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं आपके सामने ऐसी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें दिखाएं जिसके अंदर आप घुसकर उसको एक्सप्लोर कर सकें. तो बहुत ही अच्छा होगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस एपिसोड इफ यू कैन मेक साइकिल्स लाइक दैट. इस तरह की आप लोग खुद अपनी साइकिलें बनाएं, गोल पहिए की नहीं, चौकोन पहिए की. मैं इनफैक्ट दिखाऊंगा आपको, ये हमने बहुत बढ़िया साइकिल बनाई है और ये अभी यू नो ऑफकोर्स शायद बाद में मौका मिलेगा. ये साइकिल, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन इसके पहिए देखिए त्रिकोण है और बहुत सुंदर चलती है, ऊपर नीचे डग्गा खा के नहीं चलती है. मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही सुंदर साइकिल. इस तरह की साइकिलें आप लोग खुद बनाएं एंड then research and figure out why is it that the cycle is stable, गिरती क्यों नहीं है. वैज्ञानिक लोगों को लगता था कि इसका लेना देना कुछ उससे है और इसके लिए मैं अपना overhead on कर देता हूँ. गायरोस्कोप से, एंगुलर मोमेंटम से लेना देना है, लेकिन पता चला कि वैसा भी नहीं है. बहुत सुंदर सा छोटा सा प्रयोग है. ये मैं अपनी गाड़ी साइड में रख देता हूँ और ये आईपैड में थोड़ा इधर कर देता हूँ. ये मेरा देखिए बहुत ही छोटी सी, मैं इनफैक्ट पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. एक सीडी है, सीडी के ऊपर ये फिजिट स्पिनर है. आजकल बच्चे बहुत खेलते हैं इससे, और कुछ नहीं है, फिजिट स्पिनर है. इसको हम अगर सीधे रखें यहाँ पर अपने हाथ पर तो तुरंत गिर जाएगा. एंड इसको ओवरहेड में दिखा सकते हैं. इसको सीधा रखिए, ये गिर जाता है, रुकता नहीं है. लेकिन अब देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी, इसकी मैं फिजिट स्पिनर को घुमा दूँगा, गिरता नहीं है. फिर से करते हैं, बहुत ही सुंदर. तो सवाल यह है कि क्यों नहीं गिरा और किस दिशा में. इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल भी है. अगर आपको, आप पाएंगे कि इसको इस तरह से घुमाते हैं तो एक दिशा में घूमता है और अगर उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो उल्टी दिशा में घूमता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम विच फॉलोज द राइट हैंड रूल. तो जिस दिशा में है उस दिशा में इस डंडी को, और उसी एंगुलर मोमेंटम के कारण ये अपनी जो स्थिति है उसको बनाए रखने की कोशिश करता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से. ये भी एक सुंदर प्रयोग है. ये देखिए, ये हमारे पास एक साधारण सा साइकिल का चक्का है. अगर ये धागे से बंधा हुआ है बिल्कुल लुढ़क जाता है, लेटा हुआ है. और अब मैंने इसको यूं करा, आईपैड एक सेकंड हटा देता हूँ, और अब मैं इसको अगर घुमाता हूँ, होपफुली ये देखिए अब बिल्कुल सीधा चल रहा है. और ये बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा. इसको अगर मैं इसी तरह से, अगर मैं उल्टा घुमा दूं तो ये उल्टा चले, मतलब अगर इसको स्पिनिंग की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, मेरे हाथ से वो हो नहीं रही है, उल्टे हाथ से शायद होगी. ये देखिए अब नहीं गिर रहा है, लेकिन अगर रुक जाएगा तो रुक जाएगा. दिस इज द एंगुलर मोमेंटम दैट कम्स इन टू प्ले. अनफॉर्चुनेटली दिस इज ओनली हाफ द मिस्ट्री. जो हमारी साइकिल है उसका इससे कुछ ना कुछ लेना देना है, पर हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से इसी के कारण ही साइकिल हमारी चलती है. तो साइकिल का इतिहास देख लेते हैं। साइकिल जो हमारी थी किस तरह से मैं एक अनाउंसमेंट करना भूल गया, मुझे अचानक अपनी स्लाइड्स देखकर याद आया। लेट मी टेक यू टू दैट। बहुत सारे लोग 3030 के माध्यम से टीचर्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वी कॉल देम फ्रेंड्स ऑफ 3030 के जो दोस्त लोग हैं सब जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट हफ्ते एक मीटिंग हुई थी, उसी का एक स्क्रीनशॉट है। करीब 10-15 लोग हैं इसमें। सभी लोग जुड़कर इस मुहिम को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं and all these people are sort of volunteering their time to see if we can take this movement to another level। ये सिर्फ हमारा जो पर्पस है 3030 का, अगर कोई मैं बोलूँ पर्पस है, वो तो यही है कि किसी तरह से नजरिए और दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाए, और फिर नजर बदलेगी तो नजरिया बदलेगा तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। द होल आइडिया इज टू सी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर अराउंड अस एंड देन क्रिएट जॉय। शिक्षा में रुचि आ जाए, परिवेश में रुचि आए और अपने विषय में रुचि आए। तो वो अकेला काम नहीं करे, हमारा काम तो सिर्फ कारतूस में, इफ आई कैन से, जस्ट लाइट दैट फायर, चिंगारी लगाना है। इनफैक्ट उससे मुझे उदाहरण याद आया। कई बार लोग कहते हैं कि 1857 में जो युद्ध हुआ था, मंगल पांडे ने अपने मुंह में वो कारतूस रखा और पूरा देश भड़क गया, आग लग गई। ऐसा नहीं हुआ था। देयर वर मिलियंस ऑफ म्यूटिनीज दैट वर हैपनिंग अराउंड द कंट्री। हर जगह छोटी छोटी चिंगारियां लगी हुई थी। मंगल पांडे के मुंह में जो कारतूस डाला उससे तो वो चिंगारी भड़क गई। मैं चाहता हूं इस प्रयोग, इस माध्यम से जो हम ये 3030 का ये प्रयोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप सभी लोग इस मुहिम में जुड़ें और इस तरह का कंटेंट बनाएं कि सभी शिक्षक को ऐसा लगे कि बस आज जाकर कुछ नई चीज बताएंगे, और जो खुशी मेरे को हो रही है वो हम अपने बच्चों को तक देने की कोशिश करें, और बच्चों को भी यही मजा आए कि आज कुछ नई चीज बनाएंगे, आज कुछ नया सीखेंगे, आज कुछ नया करेंगे और विषय में रुचि पैदा हो जाएगी। आई थिंक दैट इज द गोल एंड वी विल नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टुगेदर। सो प्लीज इफ यू हैव टाइम, ऑफकोर्स आजकल टाइम की बहुत कमी है सब जगह। कुछ आज मेरी ऊर्जा भी थोड़ी कम है, घर पर कुछ कुछ चल रहा है, हमारे साथी लोग भी कुछ अस्वस्थ हैं, बट होपफुली बट द होल पॉइंट इज दैट सब लोग बिजी हैं। अगर आप लोग को लगे थोड़ा बहुत समय निकालकर आप लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम को कहीं आगे ले जाना चाहेंगे, प्लीज सेंड अस एन ईमेल CLI@IITGN.ac.in। ज्योति और सरिता हैं जो हमारे पूरी उसको वॉलंटियर्स के साथ मिलकर उस प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहते हैं। नॉट डोंट जस्ट सजेस्ट अस कि किस एपिसोड पर काम करना है, वो एपिसोड बना भी दीजिए, उसकी स्क्रिप्ट भेजिए कि क्या बढ़िया चर्चाएं कर सकते हैं। ऑफकोर्स पाई पर, जैसे किसी ने कहा पाई पर, ऑफकोर्स हम करने वाले हैं, बट क्या आपकी तरफ से अगर सुझाव के साथ साथ कुछ माल भी आए तो बहुत अच्छा है। द होल गोल इज दैट वंस दिस वी डू दिस एंड वी इंस्पायर यू टू क्रिएट योर ओन लेट्स से 3030। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट अ बुक ऑन 3030। इसकी एक्टिविटीज़ को एनिमेटेड ग्राफिकल मतलब इलस्ट्रेटेड एक किताब बनाने की कोशिश करें। उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, सब टाइटलिंग में भी जुड़ सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें हम जो अंग्रेज़ी में ही नहीं बोल पा रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, तो अंग्रेज़ी में डबिंग है, कन्नड़ा में है, तमिल और तेलुगु में तो कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी भाषाओं में अगर हो जाए आपकी तरफ से तो बहुत बहुत सहयोग रहेगा। प्लीज़ डू। काफ़ी सारे आज मैसेजेस हो गए, मैं चलता हूँ आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा है बतानी चाहिए वो रह जाएंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो पहला सवाल, आज का पहला सवाल, लेट्स टेक यू देयर। जैसा कि हम वो हिस्ट्री में आपको दिखा रहे थे, लेट मी ब्रिंग दैट पिक्चर बैक। यू सी दिस रोलिंग, ये पत्थर है और ये रोल हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का पहला सवाल है आपका। ये मेरे हाथ में एक पेन है, इसको हम वही रोल मान सकते हैं, लकड़ी का पत्थर है ना, और इसको मैं हाथ है ये मेरा, इसको मैं अपना पत्थर मान लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा हाथ नहीं, मेरा पत्थर, और ये मेरा दूसरा हाथ है, इसको मैं इसके ऊपर रोल करता हूँ। तो सवाल आपका क्या है, वो सवाल पे पहुँच जाते हैं। पहले सवाल इज हाउ मच इफ द पेन मूव्स बाय, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, तो पेन अगर मेरा 6 इंच चलेगा तो हाथ कितना जाएगा आगे। इफ माई पेन मूव्स 6 इंचेज, हाउ मच विल माई हैंड मूव। चलिए देखते हैं, और जब तक आप लोग ये कर रहे हैं मैं तब तक अपना अगली चीज़ के लिए सामान रेडी कर लेता हूँ। चलिए जी उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, लेट्स लुक एट द आंसर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारे लोगों ने बोला ए विच इज़ 1 फीट, सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला बी 6 इंचेस, जितना हाथ आगे जाएगा उतनी ही आगे जाएगा। कुछ लोगों ने 3.14 फीट भी बोला जो कि पाए है, क्योंकि वो सर्कुलर है अगर हमारा पेन तो उससे ऐसा ऐसा कुछ लगता है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स राइट हियर। And for that I will just take you, this is my pen and this is my hand and you can see I will mark this here, right here, है ना, यहाँ पर, यहाँ से चालू हुआ, इसको अपन इनफैक्ट हाथ से ही करके दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं। अब मैं इसका अपना हाथ यहाँ से चालू करता हूँ और पेन को यहाँ तक ले जाऊँगा। देखिए मेरी पेन और मेरी आगे की उंगली दोनों एक ही पॉइंट पर है, और इसमें मैं अपना iPad ये हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। और अब देखिए मैं हाथ चलाता हूँ तो मेरी उंगली, ये तो पेन तो यहाँ तक आया लेकिन उंगली यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। सो पेन मूव दिस मच वाइल माई हैंड मूव दिस मच, एग्जैक्टली 2 टाइम्स, 2 गुना चल गया। बिल्कुल इसके ऊपर भी आप करके देख सकते हैं, कोई भी साधारण सा स्पूल हो इसके ऊपर अगर आप पत्थर या कोई चीज़ रखें आप पाएंगे कि आपका हाथ आगे निकल जाता है। अब सवाल यह है कि ये काम इसमें तो होता है लेकिन हमारी गाड़ियों में क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता? ये देखिए मेरा हाथ आगे निकल गया, पहिया पीछे रह गया, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मेरी गाड़ी पीछे रह जाए? गाड़ी भी, उसमें भी पहिए गोल है, तो उसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि गाड़ी का पहिया वहीं रह जाए और गाड़ी आगे निकल जाए? ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें ये सेंटर से जुड़ी होती है, हमारी गाड़ी सेंटर से जुड़ी हुई है। इस समय हम अपना हाथ सर्कमफ्रेंस ऊपर रख रहे हैं एंड दिस इज द एडवांटेज दैट इजिप्शियंस यूज्ड, कि पहिया तो 1 मीटर चले लेकिन हमारा जो वजन है वो 2 मीटर चला जाता है। इनफैक्ट इससे जुड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2 मीटर तो छोड़िए 3 मीटर तक ले जा सकते हैं, 4 तक ले जा सकते हैं, 5 तक, जितना भी चाहें ले जा सकते हैं। और उसका मैं छोटा सा आपको ये अगर प्रयोग दिखाऊं, ये रहा, अब देखिए क्या सुंदर चीज़ होगी ये। अब इसमें क्या फ़र्क है, पहले ये ज़मीन पर चल रहा था, अब ये बीच में जो इसका जो जगह बची है उसके ऊपर चल रहा है। सो नाउ इफ़ आई मूव माई हैंड यू कैन सी एंड यू विल सी दैट दिस टाइम इफ़ आई मूव माई हैंड दिस मच, 3 गुना ज़्यादा चल जाता है, 3 टाइम्स मोर नाउ। व्हाई? बिकॉज अर्लियर इट वॉज मूविंग हियर, पहले जब ये इस तरह से घूम रहा था धरती पर, यही पॉइंट लगा हुआ था, डबल इसलिए घूमा क्योंकि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों जुड़ गए। इनफैक्ट इसी को जुड़ी हुई हम साइकिल पर आगे भी बात करेंगे कि हमारा हाथ जो है यहाँ पर इसके साथ चल रहा है, तो ट्रांसलेशन मतलब सीधा चलने वाली जो गति है वो और इसकी रोटेशन दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, दोनों ऐड हो गई तो डबल हो गया। यहाँ पर आने पर ट्रांसलेशन 1 टाइम्स हो गया क्योंकि वो ट्रांसलेशन मतलब सॉरी रोटेशन, इसके कारण ये ट्रांसलेशन हो रहा है, ये बीच वाले के कारण, बीच वाला जो है इसके कारण ट्रांसलेशन हो रहा है, वो 1 टाइम है और इसके कारण रोटेशन के कारण वो आगे बढ़ रही है सर्कमफ्रेंस पर, तो ये 2 गुना हो गया। जिस रेशियो में ये आर, ये अंदर वाला है और जिस रेशियो में बड़ा वाला है, दैट रेशियो गिव्स दैट हाउ मच टाइम्स यू नो इट विल गो फॉरवर्ड। सो अगर R1 ये दोनों बराबर है, जिस पर रखा हुआ है और जिस पर चल रहा है दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स जाएगा, अन्यथा 1 + R1/R2 ऐसा कह सकते हैं। R1/R2 अंदर वाला जो है और बाहर वाला जो है उसका रेशियो जो आएगा उतना तो आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ रोटेशन, और अंदर वाला जो है उतना आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, सीधे चलने वाला। इन दोनों को जोड़कर बहुत ही सुंदर, एंड इनको आगे भी हम देखेंगे किस तरह से साइक्लॉइड इसमें काम आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, और अगर यही चीज़ हम अंदर वाला जो गोला है इसको छोटा करते करते चले जाते तो वो रेशियो R1/R2 का बढ़ता जाता, और ये हमारा जो पत्थर है 3 गुना छोड़िए 4, 5, 10 कितना भी ऑफकोर्स, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर हमारी धरती है तो यहाँ पर आपको नाली बनानी पड़ेगी। इफ़ दिस इज़ अ फ्लैट अर्थ और आप इसके ऊपर वजन खींच रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपकी धरती पर ये चल रहा है बिल्कुल बढ़िया, लेकिन यहाँ पर इसको जगह देने के लिए नाली बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए लोग डबल में ही खुश रह जाते हैं, 3 गुना नहीं करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सुंदर। ओ, और बिकॉज नाउ दैट वी हैव दिस टूल राइट हियर, स्पूल राइट हियर, यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लेट्स सी, बहुत सुंदर सवाल है ये। स्पूल पे हमने देखा और इसको हम आपको सवाल पर भी ले जाते हैं। ये स्पूल है और इसमें मैंने धागा बांध रखा है अंदर वाले पर, और सवाल ये है कि मैं इस धागे को खींचूंगा तो ये मेरी तरफ जाएगा या उधर जाएगा। मतलब ये धागा अगर मैंने खींचा इधर तो ये धागे की तरफ जाएगा या धागे से उलट जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ये आपका सवाल है। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आपको उत्तर ही मिल जाएगा। फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जिधर से धागा खींच रहे हैं उधर, या बैकवर्ड मतलब जिधर धागा नहीं है उसके दूसरी दिशा में। चलिए आइटम पुल पर जाकर सवाल देख लेते हैं। वी वुड वांट ऑल ऑफ यू टू कम एंड यू नो गिव योर आंसर्स ऑन आइटम पुल। जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कम बैक एंड go to itempool.com/ccl/live and try to give your answers. All right, let's see if we can get 1000 answers. That will be nice. I think मुझे लग रहा है त्यौहार भी चल रहे हैं तो इसलिए लोग थोड़ा सा त्यौहार में बिजी हो गए हैं। So let's see. Let's wait for it to cross 1000. All right, let's go. चलिए उत्तर देख लेते हैं। और भी लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। Let's go and look at the answers. आज थोड़ी सी हम लोग बहुत सही, और ये लगा 3030 का छक्का। तीनों आंसर सही हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड वुंड मूव। एक्चुअली वुंड मूव तो डिपेंड करता है, अगर हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे तो इट विल नॉट मूव, तो इसलिए ये भी सही उत्तर है, खींचेंगे नहीं तो मूव। बट देखिए ये बहुत ही जादुई स्पूल है। इनफैक्ट मैं अब ये वाला ऑन कर देता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने कहा बैकवर्ड जाएगा, मतलब यूँ खींचेंगे तो उल्टा जाएगा। आपको क्या लगता है? खींचेंगे तो उधर जाएगा। देखिए बहुत सुंदर चीज़ है, ये बहुत जादुई है। इनफैक्ट मैं इसको वही करा सकता हूँ जो आप आंसर दे रहे हैं। आपने कहा बैकवर्ड जाएगा, ये लीजिए बैकवर्ड चला गया, और आपने कहा फॉरवर्ड जाएगा, ये लीजिए फॉरवर्ड आ गया। बहुत ही सुंदर। जब मैंने पहली बार ये देखा था 2 साल पहले 3 साल पहले, इनफैक्ट इरोडोव की एक किताब है, जब हम IIT में की तैयारी कर रहे थे तब वो किताब पढ़ते थे। उसमें भी बड़ा मज़ेदार सवाल था। इनफैक्ट वो तो 30 साल पुरानी कहानी है, बट उसमें भी स्कूल पे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग सवाल थे। ये देखिए अब मैं इसको अगर खींचता हूँ तो ये मेरी तरफ आ जाता है, और अगर इस तरह रख के खींचता हूँ तो ये पीछे चला जाता है। मैं कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ द फिजिक्स, दिस इज़ द साइंस बिहाइंड द स्पूल। इफ़ आई कीप माई थ्रेड लाइक दिस एंड पुल, it will go back at some point, it will stop, and at that point if I pull here it will move towards me. क्यों ऐसा होता है? बहुत ही सुंदर। ये आपका होमवर्क का भी क्वेश्चन है, और इसको इसके आपको जवाब देने हैं कि कौन सा ऐसा एंगल है, किस एंगल पर। इनफैक्ट ये करके आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्या, फिर यहाँ रुक जाएगा। इस एंगल पर, इससे ऊपर रखेंगे तो पीछे जाएगा, इससे नीचे रखेंगे तो आगे आएगा। और ये एंगल कितना है, धागे का कितना एंगल हो कि वो इधर रखें तो इधर और इधर रखें तो दूसरी तरफ जाता है। तो ये थी स्पूल की कहानी। तो स्पूल की तो हमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी। स्पूल पे धागा बांध के तो खींच दिया। अब यही काम चलिए साइकिल पर कर लेते हैं। मैं टेबल नीचे रख देता हूँ ताकि बाकी चीज़ों में आसानी रहे। बट उसके पहले मैं सोच रहा था कि छोटी सी साइकिल की आपको हिस्ट्री दिखा दें। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह से साइकिल हमारी चालू हुई 1791। दिस इज़ हाउ द साइकिल स्टार्टेड। यहाँ पर पहिए नहीं थे इस समय, ये धक्का दे देकर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो भी हम बता रहे हैं, ये वीके गुप्ता, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली प्रोफेसर वीके गुप्ता वॉज अ एरोनॉटिकल प्रोफेसर, एरो के प्रोफेसर थे हमारे समय में IIT कानपुर में। उनकी किताब है द बाइसिकल स्टोरी, जरूर पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्ट छोटी सी किताबिया है, और उसमें साइकिल की बड़ी इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स फिजिक्स साइंस एंड एवरीथिंग ही टॉक्स अबाउट हिस्ट्री। वहाँ से हम लोगों ने ये उठाई है, चित्र वहाँ से लिया है। So thank you to Professor V. K. Gupta, Vijay Kumar Gupta। तो ये 1791 में इस तरह की थी। फिर देखिए किस तरह से बनी, फिर क्या हुआ। 1863 में, 1870 में उनको पता चला कि भाई जितना बड़ा आगे का पहिया होगा उतनी, और पैडल आगे की तरफ ही है, पैडल इसमें मैं ये पैडल देखिए आगे की तरफ है, तो जितना बड़ा आगे का पहिया होगा उतनी आगे साइकिल जाएगी। तो उन्होंने पहिए को और बड़ा करते गए, लेकिन चलाने में बड़ी मुश्किल होगी, चढ़ेंगी कैसे, और गिर गए तो हड्डी पसली सब बराबर। और उसके बाद फिर लगा कि नहीं थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, तो इसको थोड़ा छोटा करा, और यहाँ पर डायरेक्ट इस वाले पहिए को घुमाते थे, यहाँ पर पैडल लगाए। लेकिन अब उन्होंने फिर चेन का इस्तेमाल कर दिया। एंड फाइनली अराउंड 1990 1900 ऐसा कह सकते हैं लगभग, तब जो बाइसिकल बनी वो तो बहुत उससे इफ़ यू कैन सी काम कब से चालू हुआ। लेकिन साइकिल जब बन के असली तैयार हुई 1900 में, एक फाइनली ऐसी साइकिल आई जिससे आपके दांत वात ना टूटे। इनफैक्ट साइकिल के ऊपर हमने प्रयोग भी इसलिए करा क्योंकि हम आपको वही खुशी वापस से याद दिलाना चाहते थे। इनफैक्ट कई बार मुझे लगता है बच्चों को जो सबसे ज़्यादा खुशी अपने बचपन में मिलती है, पहली बार वो तब मिलती है जब साइकिल चलाते हैं और वो चल जाती है अचानक बिना साइड व्हील के। कितनी खुशी मिलती है जब फर्स्ट टाइम एवरीबडी ट्राइज टू राइड अ साइकिल. आई होप व्हेन यू मेक योर ओन साइकिल नाउ विद डिफरेंट काइंड ऑफ व्हील्स, विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यू गेट द सेम जॉय, व्हिच इज व्हाई वी थॉट वी विल डू दिस एपिसोड ऑन साइकिल. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, देयर इज अ लॉट ऑफ मैथ दैट वी विल डू, बट ऑल्सो दिस जॉय दैट वी वांट टू कम्युनिकेट टू यू. एंड इनफैक्ट ऑफ कोर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, प्लीज डू ट्राई टू फिगर आउट द साइंस बिहाइंड व्हाई दिस साइकिल इज स्टेबल. नॉट गायरोस्कोप, नॉट एंगुलर मोमेंटम, नॉट दिस फोर्क एंगल जो हम आगे जाके दिखाएंगे. तीनों चीज़ों का मिश्रण है. वैज्ञानिक अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं. आप लोग भी जुड़ जाइए और देखिए कहाँ तक बात पहुँचती है. चलिए ये जो हमने स्पूल में काम करा था, यही काम अब हम साइकिल के साथ करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये छोटा सा एक यू नो दिस ब्रिंग्स मी बैक टू दिस यू नो क्वेश्चन ऑफ कोर्स. और साइकिल के ऊपर इसलिए भी हमने एपिसोड करा. आपको याद होगा हमने एक सवाल पूछा था कि साइकिल के पेडल में अगर नीचे धागा बांधकर उसको खींचें तो साइकिल किस तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी और या आगे की तरफ. बिल्कुल यही काम जो इसमें करा था, यही काम अगर साइकिल के साथ करें तो क्या होगा. आप लोगों ने शायद करा कि नहीं करा. अगले हफ्ते हमने फिर पूछा था, तब भी हमारे पास बहुत कम जवाब आए, तो हमने फाइनली सोचा एक पूरा एपिसोड साइकिल के ऊपर ही कर देते हैं. शायद अब आप लोग इस बात का जवाब देने के ऊपर राजी हो जाएं. सो हियर कम्स दिस क्वेश्चन. इफ़ वी हैव अ साइकिल, लेट मी टेक दिस ऑफ. इफ़ वी हैव अ साइकिल और उसके पेडल में हमने अगर धागा बांध दिया और उसको खींचा तो साइकिल पीछे की तरफ जाएगी क्या आगे. देखिए जब आप साइकिल में ऐसे ये रही हमारी साइकिल, इसको अगर हम पीछे यहाँ से अगर पीछे करते हैं ना तभी तो साइकिल आगे बढ़ती है. तो एक तरह से ये लगता है कि साइकिल का पेडल को जब पीछे करेंगे तो साइकिल आगे जानी चाहिए. लेट्स सी व्हाट द आंसर्स आर एंड लेट्स टेक यू टू द क्वेश्चन ऑफ कोर्स एंड देन लेट्स लुक एट द आंसर्स. इफ यू टाई रोप टू अ हैंडल, ये वाला नहीं भाई, पैडल. हाँ. If we are roped to the pedal of a normal bicycle and pull, which way will the bicycle move? Forward, backward, won't move. धागा कमजोर है, टूट जाएगा. हाँ जी, धागा कमजोर है. मैं इसमें तब तक धागा बांध देता हूँ. आपको ये प्रयोग यहाँ पर करके भी दिखा सकते हैं. बिल्कुल. Let's see if I can. धागा साइकिल में बांध दिया है और लेट्स सी अगर इस प्रयोग भी कर सकते हैं आप आपके साथ यहाँ पर इसी साइकिल के साथ. चलिए वापस से टेबल रख के शायद ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा. मैं टेबल को रेडी कर देता हूँ. चलिए लेट्स लुक एट द आंसर्स. हाँ चलिए देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं. 1000 तक पहुँच गए. चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर. बैकवर्ड, बहुत सारे लोगों ने बोला फॉरवर्ड जाएगी, लेकिन उत्तर आपका गलत है. साधारण साइकिल में यही, इनफैक्ट इसमें ये भी कह सकते हैं कि सारे उत्तर सही हैं. चलिए मैं आपको अब, और धागा टूट जाएगा बहुत सारे लोगों ने भी कह दिया, काफ़ी सारे 48 पीपल. दिस इज़ माई साइकिल राइट हियर, आई हैव टाइड अ धागा यू नो इन द पेडल. और देखिए क्या होता है, मैं धागे को खींच रहा हूँ. देखिए हो क्या रहा है, साइकिल पीछे जा रही है लेकिन पेडल आगे बढ़ रहा है, पेडल पीछे नहीं जा रहा है. वो इसलिए, दिस इज़ वेयर. एंड इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई मैं आपको बहुत ही सुंदर एक, और ये इसलिए क्योंकि इसका गियर रेशियो और पेडल लेंथ इस तरह की है. जैसा मैं आपको कह रहा था कि साइकिल में जो भी ये पेडल है वो ऐसे, मान लीजिए आप साइकिल के ऊपर खड़े हैं तो आपको क्या लगेगा, गोल गोल आप पेडल घुमा रहे हैं. लेकिन जो बाहर खड़ा है उसको ये नहीं लगेगा कि गोल गोल चल रहा है. उसके लिए तो आपका पेडल गोल गोल भी घूम रहा है लेकिन साइकिल भी साथ में चल रही है. तो दो मोशन एक साथ जुड़ जाते हैं, गोला और सीधी लाइन, विच इज व्हाट आई वाज कॉलिंग ट्रांसलेशनल, विच इज सीधी लाइन वाला, एंड रोटेशनल, गोल वाला. इन दोनों को जुड़ के वो काम होता है. तो ऐसी कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए आपका यू नो पेडल बहुत ही छोटा है ना, तो आप कुछ भी ऐसे ऐसे छोटा छोटा घुमा रहे हैं तो गोल कुछ नहीं हो रहा, सीधा सीधा ही दिखाई देगा बाहर वाले को. या पेडल बहुत लंबा है, बहुत लंबा, तो गोल ही गोल दिखाई देगा, लंबा वाला कुछ नहीं दिखाई देगा. एंड दैट इज वेयर यू नो द ट्रिक लाइज. इनफैक्ट वी कैन चेंज, मॉडिफाई अवर बाइसिकल सच दैट, एंड यही प्रयोग पंकज ने करा था और मैं आपको उसकी छोटी सी एक क्लिप दिखाना चाहूँगा. लेट मी टेक यू टू साइकिल पेडल क्लिप. ये देखिए, कुर्सी बांधी पंकज ने और पीछे जब साइकिल आगे बढ़ती है तो कुर्सी भी आगे बढ़ती है. कहने का मतलब यह था कि ऐसा नहीं हुआ कि जब साइकिल आगे चली तो कुर्सी भी उसके साथ आगे चली गई. ये नहीं हुआ था कि जब पैडल पीछे जा रहा है तो कुर्सी पीछे चली गई, नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ों का जोड़ था। एंड इनफैक्ट लेट मी टेक यू बैक टू द सेम स्टोरी नाउ एंड यू विल सी नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन हियर। अब देखिए यहाँ पर क्या चालू हो गया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ इस क्लिप में। यहाँ पर पंकज ने ये एक पेडल के ऊपर लंबा डंडा बांध दिया, सो पेडल की लंबाई बढ़ा दी। अब देखिए क्या होता है, अब हम पेडल को पीछे खींचते हैं तो साइकिल आगे जाती है, और अगर यही पेडल की लंबाई छोटी कर दी और उसको धागे से खींचा तो देखिए ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रयोग, और इसको अगर पेडल से खींचा तो साइकिल पीछे जाती है। बहुत ही सुंदर, उम्दा। एंड द आंसर टू ऑल ऑफ दिस लाइज इन द फैक्ट दैट, इसको मैं नीचे रख देता हूं, lies in the fact that in a cycle this thing, the whole thing, and in fact we did this in an episode, let me take you to यहाँ पर बहुत सुंदर एक साइकिल, ये हमारा, मैं आपको साइकिल में ले जाता हूँ। बहुत सुंदर, कहाँ पर चला गया, ये आ गया, चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपके सामने, ये पीछे का व्हील है, ये आगे का व्हील है, और ये हमारा पैडल है। इनफैक्ट जो हमने, मैं पूरी बना नहीं रहा हूँ, बट इसको अगर हम मान लें पैडल की, ये गियर हमारा आईपैड, ओह सॉरी आईपैड दिखा देते हैं, ये मेरी साइकिल है, ये हमारा अगर गियर है, और एक ये आगे वाला गियर है, इसका रेडियस R1 मान लें और इसका रेडियस R2 अगर मान लें, और पैडल की लंबाई R3 मान लें और ये इसकी लंबाई R4 मान लें, तो हमारा ओवरऑल रेशियो जो आता है वो ये आएगा, जितना जोर लगाएंगे मतलब R1/R2, इतना हमारा इन्वर्स मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, क्योंकि जितना बड़ा R1 होगा उतना आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, उतनी आपकी पीछे वाला ज़्यादा घूम जाएगा। तो R1/R2 रिवर्स हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, और इसको गुणा कर देंगे जितना आपका फिर आर पेडल, ये पीछे वाला पहिया बड़ा हो जाएगा, वो R2। ये आपका टोटल मैकेनिकल एडवांटेज है। तो जितना आप ये R3 आपका, ओह सॉरी R4/R3, तो ये जब 1 हो जाएगा तो 1 से कम होगा तो साइकिल एक दिशा में जाएगी, 1 से ज्यादा होगा तो साइकिल दूसरी दिशा में। इनफैक्ट इन दिस केस जब 1 से कम होगा तो साइकिल जिधर उल्टी दिशा में जाएगी, और 1 से ज़्यादा होगा मतलब जब ये हमारा आपका पैडल बहुत लंबा हो गया तो ये 1 से कम हो जाएगा अपने आप R3, एंड दैट्स वाई साइकिल विल गो इन द डायरेक्शन। सो दिस इज़ बेसिकली द आंसर। आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर अपनी अलग साइकिल बना सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके वो साइकिल दूसरी तरीके से बिहेव करेगी। पीछे खींचेंगे तो पीछे ही जाएगी, आगे खींचेंगे तो पीछे खींचेंगे तो पीछे जाएगी, आगे खींचेंगे तो आगे जाएगी। वो तो नॉर्मल साइकिल है। जब ऐसा करें कि उल्टा हो जाए कि आप खींचे और आगे चली गई साइकिल, वो तब बनेगी जब उसका गियर रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जब ऐसी सरल बाइकल होगी कि आप चलाते रहें लेकिन घूम ही नहीं रही है, उस तरह की अगर आप साइकिल बनाएंगे तब ये आपके साथ संभव हो पाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। So with that, I think the most interesting thing that now happens is this. इस तरह की जब हमने साइकिल बनाई तो मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ ये थी कि जब हमारी साइकिल घूम रही थी तो उसमें गोल वाला रोटेशन भी था और एक लीनियर रोटेशन भी था। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये आ जाता है कि अगर हमने एक साइकिल के पहिए को अगर घुमा दिया तो उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका पूरा पाथ क्या होगा, गोला होगा या क्या, उसको देखने के लिए चलते हैं। बहुत ही सुंदर एक प्रयोग ये बनाया था। लेट मी जस्ट शो यू दैट साइक्लॉइड। ये तपस भाई और जय भाई ने मिलकर सुंदर साइकिल के पेडल के ऊपर एक पेन लगा दिया और अब देखिए क्या करा, और साइकिल चला दी। तो ये जो चित्र बना इसको साइक्लॉइड कहते हैं। इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन हो रहे हैं। और ये उनकी तस्वीर बनाते हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और बहुत सुंदर। तो ये हमारा और इसी को अगर हम चाहें तो एक और तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी साइकिल आ गई और इसमें साइकिल में अब मैं सिर्फ आपको व्हील का डिस्प्ले दिखाऊंगा, व्हील का। और ये मैंने चला दी साइकिल, स्लाइड टू मूव द साइकिल। अभी गियर रेशियो दोनों का बराबर है तो देखिए क्या हो रहा है। साइकिल के एक पॉइंट का जो ट्रेस है वो ये आपको दिखा, ये साइक्लॉइड है। और अगर इसको हटा दें और उसी तरह से व्हील का अगर ट्रेस कर दें, सॉरी पेडल का ट्रेस कर दें, और ये मैं साइकिल को पीछे ले जाता हूँ और फिर से वापस से यहाँ से मैंने अपनी साइकिल चला दी, तो देखिए क्या होता है, बिल्कुल वही ट्रेस बना. This is called a cycloid. Now you can see that this point that is moving is both rotating and moving horizontally. Now let's see what happens if I just, let me take my cycle back and I will increase the pedal length. अब मैंने ये pedal बड़ा कर दिया, अब देखिए क्या होता है. और अब मैं अगर ये cycle चलाता हूँ यहाँ से, तो देखिए क्या इसमें चित्र बनेगा. पीछे भी चला गया. इन दिस साइकिल ऑफ कोर्स योर साइकिल विल यू नो नॉट मूव द वे द नॉर्मल साइकिल वर्क्स. अगर आप धागे से बांध कर खींचेंगे तो देखिए ये लूप्स बन गए. इन सारे चीज़ों को साइक्लॉइड, ट्रोकॉइड, ये सारी ऑल दीज थिंग्स आर फैमिली ऑफ, और इनफैक्ट बड़ी मज़ेदार चीज़ भी हो जाती है. इसी को अगर हम सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर ले गए. अभी तक तो साइकिल हमारी सीधे चल रही थी, इसको ही अगर हमने इसमें चला दिया, गोले पे चला दिया, तो देखिए क्या सुंदर ये बनता है. इसको मैं पूरा चला के दिखा देता हूँ आपके सामने, और इसको व्हील डिस्प्ले भी ऑन कर देते हैं. सुंदर प्रयोग. स्पीड थोड़ी धीरे है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ. These are all family of cycloids. In fact, ये आपको ये 4 का जो रेशियो दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा. बहुत सुंदर. चलिए, These are all called cycloids. किस तरह से जो दोनों रोटेशन, गोल वाला रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर जो जुड़ जाता है. इनफैक्ट बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि किन्हीं चीज़ों में दिखाई दे जाता है. ये साइक्लॉइड हमको कॉफ़ी के मग में भी दिखाई दे जाएगा. कॉफ़ी के मग में अगर आप आधी कॉफ़ी पड़ी और कहीं से लाइट आ रही है, तो उसमें साइड में जो आपको चीज़ दिखती है वो यही साइक्लॉइड है. अगर एक बार, इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ बड़ा सुंदर सवाल है, ये मैं सोच रहा हूँ अभी आपके साथ कर देता हूँ. ये सिक्के वाला, लेट मी जस्ट शो यू. मे बी उससे पहले मैं आपको एक, ये जो हमारी चीज़ बची हुई थी ये दिखा देता हूँ. साइकिल वेव कार जो हमने बनाई थी, कि किस तरह से ये साइकिल की, बहुत सुंदर, ये मैं ओवरहेड में आपको ले जाता हूँ. सबसे पहले ये देखिए बहुत सुंदर कार है, और इसके अंदर मैंने ये पेन डाल दिया, और अब ये मैं चलाता हूँ तो देखिए क्या होगा. ये साइकिल यहाँ पर चला है. कार ये हमने अपनी लैब में ऑफ कोर्स बनाई है. ये देखिए, और अगर इसी की लेंथ हमने बढ़ा दी, अगर यहाँ पर कर दिया, तब देखिए क्या होता है. यही वाला क्या चीज़ बनाएगा, और ये बनाई कैसे, इसमें हो क्या रहा है. मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, हो सिर्फ यही रहा है कि ये साधारण सी जो, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हमने जो लैब में बनाई हैं, ये साधारण शीट्स से बनाई हैं. ये जब इसका पहिया यहाँ पर घूमता है तो ये ऊपर के 3 गियर घूमते हैं, और उससे जुड़ा हुआ ये नीचे का पेन, ये वाला चीज़ भी घूमने लगता है. इसमें पेन लगा हुआ है, और ये गाड़ी इस तरह से आगे बनती है, लेकिन ये गोल गोल इस तरह घूम रहा है. तो इसमें दोनों मोशन जुड़ गए, गोल वाला और ट्रांसलेशन सीधे वाला, उससे जुड़कर ये साइक्लॉइड्स बन गए. जो एक सर्कल का पाथ है, व्हेन द सर्कल मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एक्चुअली कॉल्ड अ साइक्लॉइड. और उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी साइकिलों में जुड़ती हैं, इसमें भी जुड़ती हैं, और वही मैंने सोचा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. और उससे जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयोग है, वो ये है. यहाँ पर ये देखिए, दिस शेप इज एक्चुअली कॉल्ड अ साइक्लॉइड. यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, और इसमें हमने एक पेंडुलम बना दिया. नॉर्मली पेंडुलम को बोलते हैं कि √L/G, मतलब उसका जो कितना टाइम पीरियड है इधर से इधर जाने में, वो डिपेंड करता है कि कितनी ये लंबाई है. लेकिन इस पेंडुलम में, इसको साइक्लॉइड पेंडुलम भी बोलते हैं, इसमें आप पाएंगे कि ये जो टाइम पीरियड है, और कितना भी ले जाएँ वो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट रह जाता है. मतलब नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन में इट इज़ द टाइम पीरियड इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन the amplitude is very small. In this one you see it touches इट डजेंट ये जो धागा है यहाँ साइक्लॉइड को टच कर जाता है, इसलिए, और इसकी फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. बट द होल पॉइंट इज दैट इफ़ यू हैव दीज टू साइक्लॉइड्स अराउंड देन दिस इज अ पेंडुलम विच हैज़ इक्वल टाइम पीरियड्स नो मैटर हाउ मच योर एम्पलीट्यूड इज. कहीं से भी कर लीजिए, एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर रहेगा, कहीं से कितना भी चला दीजिए, कितना भी एम्पलीट्यूड रख लीजिए, टाइम पीरियड बिल्कुल बराबर रहेगा. दिस इज कॉल्ड द साइक्लॉइड पेंडुलम. और इससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा मज़ेदार खिलौना है, और उससे पहले मैं आपको एक साइक्लॉइड से जुड़ी हुई इतनी सारी रुचिकर चीज़ें हैं. साइक्लॉइड इनफैक्ट इज द बेस्ट वे टू सॉरी, उत्तर नहीं बताएंगे, उससे जुड़ा हुआ सवाल है साइक्लॉइड का जुड़ा हुआ. लेट्स गेट दैट क्वेश्चन वेयर यू नो, ये हमारे पास एक रेसर बनाया हमने. क्या करा हमने, एक ये सीधी लाइन है, यहाँ से हमें कंचे डालने हैं यहाँ तक, यहाँ से कंचे डालने हैं यहाँ तक, चारों में हम कंचे डालेंगे. आपको ये पता करना है कौन सा कंचा सबसे पहले पहुँचेगा यहाँ से नीचे, कौन सा कंचा जीतेगा. हमने क्या बनाया, एक तो सीधी लाइन बना दी, एक ये साइक्लॉइड है जो शेप अभी बनाई थी, ये एक सर्कल है, और ये नॉर्मल कोई कर्व है. चार हैं, चारों में कंचे रखने हैं, देखिए कौन सा कंचा जीतता है. दैट इज़ योर आइटम पूल क्वेश्चन. लेट्स लुक एट दैट. Which marble will win the first race? ये सीधी लाइन में, या साइक्लॉइड में, या सर्कल में, या जो नॉर्मल चौथा वाला कर्व था. चलिए उत्तर देख लेते हैं. 1000 लोगों के उत्तर आ गए हैं. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत सारे लोग आए, बट आई गेस आई कैन अंडरस्टैंड कि फेस्टिवल का मौसम है और लोग अपने घर को जुगाड़ने में साइक्लॉइड, बहुत सारे लोगों ने ऑफकोर्स साइक्लॉइड जवाब दिया. वो इसलिए क्योंकि साइक्लॉइड के ऊपर चर्चा हो रही है, तो साइक्लॉइड ऑफकोर्स, साइक्लॉइड इज़ द फास्टेस्ट वे टू डिसेंड. यहाँ से यहाँ आना है तो सीधी लाइन में आएंगे तो देर लगेगी. ये जो पाथ साइक्लॉइड का है, साइक्लॉइड कौन सा पाथ है, एक पहिए का पाथ, जब पहिया सीधी लाइन में चलता है. दैट इज़ द फास्टेस्ट वे टू कम फ्रॉम हियर टू हियर. आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इनफैक्ट एक और बड़ी मजेदार चीज़ है, साइक्लॉइड में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, नीचे एक ही समय में पहुँचेंगे. इसको देखने के लिए छोटा सा एक 30 सेकंड की फिल्म देख लेते हैं. ये वही है, स्ट्रेट लाइन, साइक्लॉइड, स्ट्रेट लाइन, साइक्लॉइड, सर्कल एंड कर्व. चलिए देखते हैं कौन जीता है. एंड यू कैन सी क्लियरली दैट साइक्लॉइड वन, एंड उसके बाद सर्कल, उसके बाद स्ट्रेट लाइन. एंड इनफैक्ट ये और भी मज़ेदार चीज़ है, मैं यहाँ पर रोक कर आपसे सवाल पूछ लेता हूँ. रिलीज, वी विल रिलीज द मार्बल एट द सेम टाइम, और देखते हैं नीचे कौन पहुँचता है साइक्लॉइड में रखकर. और देखिए क्या मजेदार चीज है, खूबसूरत, बढ़िया. साइक्लॉइड इज द पाथ जहां पर आप कहीं पर भी कंचा रख दीजिए, सारे कंचे एक साथ ही नीचे जाएंगे. इनफैक्ट अगर डबल साइक्लॉइड बनाएं, आप ये प्रयोग अपने घर में कर सकते, मतलब अपने स्कूलों में, लैब में, घर में डबल साइक्लॉइड बना दीजिए, इधर भी और इधर भी, एक कंचा यहाँ रख दीजिए, दूसरा यहाँ रख दीजिए. आपको लगेगा ये वाला जाकर दूसरी तरफ चला जाएगा, नहीं, दोनों हमेशा नीचे ही टक्कर होगी, क्योंकि इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग ऑन द साइक्लॉइड. ऐसी फिसल पट्टी है ये, बहुत बढ़िया, कि आप कहीं भी बैठ जाइए, नीचे उतना ही समय लगेगा, ऊपर बैठे तो भी, नीचे बैठे तो भी, हर जगह सेम समय लगेगा. साइक्लॉइड की ब्यूटी है. और अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी साइकिल थी, जैसे मैं आपको बता रहा था शुरू में ही, हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी साइकिल जो है वो स्टेबल जो रहती है, क्यों नहीं रहती है, और उसकी स्टेबिलिटी के कारण क्या है. इससे जुड़ा हुआ एक और एंड का, लास्ट, बिल्कुल लास्ट का सवाल वो यही है कि साइकिल के, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल के हैंडल को अगर आपने बांध दिया रस्सी से और तब साइकिल चल रही है, तो साइकिल ज़्यादा देर तक चलेगी जबकि उसका हैंडल बंधा हुआ है, या जबकि हैंडल उसका खुला हुआ है. किस केस में ज़्यादा देर तक साइकिल आपकी चलती रहेगी. विच साइकिल वुड कवर मोर डिस्टेंस विद लूज हैंडल और विद हैंडल टाइड इन पोजिशन, और बोथ विल कवर द सेम डिस्टेंस. ये प्रयोग आप बिल्कुल बढ़िया अपने आप करके देख सकते हैं. बिल्कुल बढ़िया प्रयोग है, घर पर कर लीजिए, आराम से साइकिल लीजिए, साइकिल का हैंडल बांध दीजिए, धक्का मारिए जोर से, देखते हैं कौन सी साइकिल ज़्यादा दूर जाती है. और कई बार इसमें ये लगता है, देख सकते हैं, कई बार ये लगता है कि जिसका हैंडल रुका हुआ है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है। जिसका हैंडल खुला हुआ है वो ज़्यादा दूर तक जाती है। मैंने आपको उत्तर भी बता दिया, और वो इसलिए वो कहीं ना कहीं साइकिल के विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और उसको देखने के लिए मैं आपको वो चित्र दिखाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर देख लेते हैं और उसके बाद हम चित्र देख लेते हैं, एंड देन वी विल शो यू जस्ट वन वेरी इंटरेस्टिंग साइकिल व्हील, एंड विद दैट यू नो वी विल स्टार्ट ऑफ कोर्स लूज हैंडल। ज़्यादातर लोगों ने बोला लूज हैंडल, ऑफ कोर्स बिकॉज द हैंडल ट्राइज टू स्टीयर एंड मेक द साइकिल स्टेबल। जिस तरफ साइकिल हैंडल अपने आप उल्टी दिशा में टर्न हो जाता है, और वो इसलिए वो स्टेबिलिटी ऑफ द साइकिल है। ये जो स्टीयर एक्सिस है, ये पॉइंट, ये अगर नेगेटिव है, ये जो फोर्क है, ये पॉइंट अगर ये इस दिशा में आ जाए, यानी अगर आप कोई ऐसी साइकिल बनाएं जो यहाँ से आकर इधर ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ चला जाए और ये बन जाए। नॉर्मली साइकिल में जो आगे का व्हील है वो इस तरह आता है ना, तो ये पॉइंट इससे ये दिस इज पॉजिटिव, दिस मेक्स द साइकिल स्टेबल। अगर ये हमारा हैंडल है और अगर ये हैंडल ऐसे बना दें कि ये उल्टा होकर आ जाए, तो देखिएगा साइकिल बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, चलेगी नहीं। एंड दिस इज़ व्हाट साइंटिस्ट्स एट लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स एट एंड साइंटिस्ट्स एट कॉर्नेल ट्राई टू फिगर आउट दैट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द साइकिल स्टेबल। देखिए ये जैसे आपने देखा इस केस में उन्होंने ये नेगेटिव बना दिया, ये स्टीयर नेगेटिव है, ये यहाँ पर जो स्टीयर आ रहा है ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, तो इसलिए अनस्टेबल है। और यहाँ पर अगर बनाएंगे तो ये पॉजिटिव स्टीयर है, तो ये साइकिल चल जाएगी। तीन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ कोर्स विच इज़ एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस स्टीयर इफेक्ट, एंड ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास। ये तीन चीज़ों का खेल है, उसके कारण साइकिल हमारी चलती है। लेकिन इंडिविजुअली लोगों ने प्रूव कर दिया, ऐसी साइकिल बना दी जिसमें एक पहिया घूम रहा है, दूसरा पहिया भी लगा दिया जो उल्टी दिशा में घूमता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो, साइकिल फिर भी चलती है। ये स्टीयर वाला बनाया कि उल्टी दिशा में नेगेटिव स्टीयर कर दिया तो भी साइकिल चलती है, बट इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एंड साइंटिस्ट स्टिल कैन नॉट फिगर आउट कि हाउ दिस साइकिल रन्स। एंड ऑफ कोर्स साइकिल के पहिए क्या गोल ही होने चाहिए? ये देखिए, हमने जो भी साइकिलें देखी उनके पहिए हमेशा गोल दिखे, और मैं जैसे आपको कह रहा था कि हम आपको अंत में ये साइकिल जरूर दिखाएंगे जिसके पहिए गोल नहीं हैं, और वो दिखाने के लिए मैं आपको वापस से अपनी टेबल पर ले आता हूँ, और दैट इज़ द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो, एंड विद दैट वी विल यू नो स्टॉप। लेट मी जस्ट हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मेरी साइकिल आ गई, बहुत सुंदर। आईपैड को मैं बंद कर देता हूँ, बहुत सुंदर। ये देखिए साइकिल, क्या लगता है? इसके पहिए देखिए बिल्कुल तिरछे हैं, रोलेक्स साइकिल बोलते हैं, तिरछे मतलब ट्रायंगुलर पहिए हैं। एंड ये देखिए बहुत ध्यान से, इसकी जो एक्सिस है ये ऊपर नीचे हिलती है, एक्सल जिसके, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल स्टेबल है। और इसको अगर हम चलाते हैं तो ये मेरा हाथ बिल्कुल फ्लैट है, गाड़ी डग्गे नहीं खा रही है, द कार इज मूविंग बिल्कुल फ्लैट, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल फ्लैट। This is called Rolex, and इनसे जुड़ी हुई and these are called Rolex triangles, 2D shapes of constant height। तो इससे इस तरह के पहिए की आप साइकिल, आप लोग ऐसी साइकिल बनाइए जिसके पहिए इस तरह के हों। कुछ लोगों ने बनाई है, इनफैक्ट यू कैन चेक ट्रायंगुलर व्हील साइकिल कुछ लोगों ने बनाई है। वो बनाने का अलग तरीका है बिकॉज एक्सल फिक्स नहीं रख सकते, एक्सल को आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जुड़े। लेकिन बहुत सुंदर साइकिल, दिस कैन बी योर नेक्स्ट साइंस यू नो प्रोजेक्ट दैट यू शो, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रोलेक्स कार। ये हम लोगों ने लैब में बनाई है, ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उसी शीट से बनी है जिसको रबर बैंड से जोड़कर बना सकते हैं। और फिर मैं सोच रहा था कि एक और भी मज़ेदार चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, देखने में क्या लगता है, टेढ़े मेढ़ी चीज़ें हैं लेकिन ये कांस्टेंट हाइट के सर्कल, इसके ऊपर भी अगर हम कोई भी फ्लैट चीज़ को रखें तो ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल। बहुत सुंदर, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको इस तरह रख देते हैं। अब मैंने इसके ऊपर ये रख दिया और मैं इसको ठीक से, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अलग अलग, थोड़ा दूर कर देता हूँ, ये रोल हो रहे हैं लेकिन इनका धरती से डिस्टेंस एग्जैक्टली कांस्टेंट है, ये ऊंचाई बराबर है। Even though they are not circular, the distance from the bottom, if I keep something flat over here, is always constant. Solids of constant width, बड़े मज़ेदार से तरीके से बना सकते हैं। ये of course the way we have made this is you know this is a pentagon जिसको हमने roll कर दिया है। ये हमारा वो है टेट्राहेड्रन जिसके ऊपर स्फीयर कटे हुए हैं। ये ऑफ कोर्स रोलेक्स ट्रायंगल है जिसको गोल घुमा दिया है, बहुत सुंदर। ये तीनों 3D स्फीयर्स ऑफ कांस्टेंट विड्थ, ऊपर कोई भी भट्टा रख दीजिए लेकिन वो फ्लैट चलेगा, आपके पहिए इस तरह के भी हो सकते हैं। और इससे मुझे लगा कि जय की आखिरी में वो जो जय ने बहुत मज़ेदार एक ये बनाई थी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ये देखिए, इस तरह की साइकिल बना सकते हैं। इसको साइकिल के पहिए बिल्कुल स्क्वायर हैं। ये हमारे जय भाई ने खूब सुंदर जियोजेब्रा पे एनिमेशंस बनाए हैं, बहुत सारी गणित लगाई, और लेकिन इसमें धरती फ्लैट नहीं है, धरती टेढ़ी मेढ़ी है, तो किस तरह की भी हो सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। अगर हमने ये दिखाया तो ये त्रिकोण अगर होगा हमारा, तो त्रिकोण का क्या पाथ होगा, त्रिकोण अगर हमारे पहिए होंगे तो क्या पाथ होगा, इसको अगर हम देखें रोल करके तो ये हमारा पाथ है। और अगर चौकोण होगा तो क्या पाथ होगा, तब ये पाथ होगा। और इसको अगर गोला है तो ऑफकोर्स ये पाथ है, गोले का पाथ तो साइक्लॉइड है, वो हमने देखा था। चौकोण का ये पाथ है, पंचकोण का ये पाथ है, षटकोण का ये पाथ है। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी साइड्स बढ़ती जाएंगी ये गोले के नज़दीक आता रहेगा। और ये देखिए ये हमारा अष्टकोण का ये पार्ट है। कोई भी पॉइंट अष्टकोण पर क्या कवर करता है ट्रजेक्ट्री, वो ये थी। बहुत सुंदर। चलिए, with that we did a lot of very interesting things about cycle today and we figured out कि साइकिल किस तरह से बनाएं अपनी अलग अलग। सबसे पहले जो हमने आपको चीज़ें दिखाई थी, दो तरीके की साइकिल, एक साइकिल फ्रंट बैक और एक लेफ्ट राइट साइकिल, दोनों नायाब साइकिलें जो हमने यहाँ पर बनाई थी। आशा है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड द होल गोल, like I said, for this program is to see that you can get into making a lot of these things on your own. अपनी अपनी नई नई अलग तरीके की साइकिलें बनाएं और बनाकर मज़े लें। एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लोर एंड ट्राई टू फिगर आउट द साइंस अबाउट इट। प्लीज़ डू जॉइन एंड प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू डू सबमिट योर होमवर्क्स। एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू कन्वे सिंसियर थैंक्स फॉर दोज हु हैव मेड दीज लैम्प्स and please make sure that you convey this message. 2020 lamps, 20 days from Dashara to Diwali, 20 interesting lamps. Thank you very much for joining and we will see you next week with a new episode and for that let me take you to this ending slide. और ending slide में हम फिर से आपको वही चीज़ दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर जो साइकिलें हैं। आशा है आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा साइकिल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।